हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं योगा आई हूँ। बिल्कुल मन नहीं था आने का, लिटरली इतना सा 1% मन नहीं था, पर फिर भी उठ के आ गई हूँ। जबकि आज कोई आया भी नहीं है। सर का पहले फ़ोन आ गया था कि कोई नहीं आ रहा आज, लगा मैं आ रही हूँ। आ गई मैं घर योगा से, और मुझे मेरा HRX से मेरा PR पैकेज आ गया, फ्री के कपड़े HRX के। और मैं नीचे से ये न्यू पिकनिक लेके आई हूँ, मम्मा सफाइयाँ कर रही। ये पिकनिक में बड़ी मिर्ची है। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ पैसिफिक मॉल जाने के लिए। आज पैसिफिक मॉल फुटबर मेरी कलैब है। इस पागल को बोला था मेरे से चलने, क्योंकि आज मुझे वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने के बाद शॉपिंग और खाना वाना सब फ्री कर सकती हूँ मैं, पर चल ही नहीं रहा मेरे साथ। कह रहे गर्मी है बाहर, कैब में जा रही हूँ, कोई गर्मी नहीं आएगी। वहाँ की गर्मी होगी, मॉल में कह रहे गर्मी होगी। मॉल में तो ऐसी चल रहा था मेंटल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम 2 महीने से ब्लॉग बना रहे थे, 2 महीने में कन्नू इसी टॉप में दिख रहा होगा। सॉरी गाइस, कन्नू के पास कपड़े नहीं है। सब पूरे दिन यही सब देखता रहता है, ये बैठा बैठा। और मम्मा पूरे दिन सोती रहती है वहाँ पे, तू पूरे दिन खाती रहती है बाहर जाके। ये देखो गाइस, मुझे आज HRX के कपड़े आए थे। ये देखना क्या कलर भेजा है इन्होंने पैंट का, ये देखो ऑरेंज कलर। ये ले रहे थे ये टॉप भी यहीं से आई थी मैंने, बट पेन भी लिया आज, अच्छी लग रही थी। क्योंकि सो आ गई मैं पैसिफिक मॉल में, और ये कॉफ़ी वाला यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चॉकलेट्स और कॉफ़ी के स्टॉल्स लगे हैं, स्टारबक्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो मुझे ये पेस्ट्री लिया मैंने खाने के लिए, भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। ये भी मेरा एक गिफ्ट भी, ये आज एक कपिल फिर दोबारा मिल गए मेरे को। ये रहा, आ जाओ कल जिसको आना है 25th, एक दिन और बचा हुआ है अभी यहाँ पे। सो मैं आई हूँ यहाँ पे जेमी ऑलिवर्स इटालियन पिज़्ज़ा। सो मुझे पैसिफिक मॉल से बहुत सारे कूपन्स मिले हैं, तो मैं अपना ये कूपन मुझे यहाँ का मिला, तो आई लीव इट हियर, पिज़्ज़ा खाऊँगी। उनको बोल दिया पैक कर देंगे क्योंकि पूरा तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। सो मंगाते हैं एक रॉसो रॉकेट। तो मैंने अपना कार्ड यूज़ कर लिया, ये वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब ये वाले कार्ड बाद में यूज़ करूँगी कभी आके। तो आज मेरी फर्स्ट टाइम सिंगल सोलो डेट बना रही है। मेरे को काफ़ी टाइम से सोलो डेट चाहिए थी, पर मैं कभी नहीं गई अकेले कहीं बाहर खाने का, नहीं आज अकेले खाना पड़ रहा है। उनसे पूछ लिया पैक कर देंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि अकेले तो मैं पूरा खा नहीं सकती। और आज मैं इतनी पागलबंदी कर रही है, एयरपोर्ट्स कान में आ गए हैं, डिब्बी घर पे ही भूल गई, तो मुझे लगा के घूमने पड़ रहे हैं। आ गया मेरा पिज़्ज़ा, अब अकेले बैठ के खाऊंगी। और तो कोई है नहीं, कन्नू आया नहीं, इसको कहा था आ जाइए पर वो आया नहीं, इसलिए अकेले बैठ के खाते हैं। अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा देखने में काफ़ी ज़्यादा, नाइस प्लेस। सो बचा हुआ पिज़्ज़ा मैंने पैक करा लिया है कन्नू के लिए, वो खा लेगा। मेरा पेट भर गया था काफ़ी ज़्यादा कोक और वो खा के, अब मैं निकलूँगी। बस 2-3 कूपन जो बच गए हैं वो हम बाद में लेंगे। और मुझे ये भी मिला है, इसके अंदर देखते हैं अभी क्या है। ये रहा वो कार्निवल पे लगा हुआ है यहाँ पर, कि मैं अभी एंड यहाँ पे खाना खाया था मैंने, वो हाथ पे खा रहे हैं सर। लगी घर आने में, अंधेरा ही हो गया पूरा। कन्नू को देंगे जाके पिज़्ज़ा, देखते हैं वो कभी या नहीं घर पे। वैसे तो वो शाम को रोज़ घूमने निकल रहा था, और मेरे कान से अभी तक सुनाई दे रहा, नहाते नहाते ना कान में पानी चला गया था, अभी तक खुला नहीं है मेरा कान। मैं इनके लिए पिज़्ज़ा लेके आई हूँ दोनों के लिए। अरे गर्म करके खाइए, ऐसे क्यों खा रहा है? बहुत अच्छी कंपनी का पिज़्ज़ा है, इटालियन पिज़्ज़ा प्रॉपर। स्टारबक्स का है, स्टारबक्स 2 बक्स कुछ नहीं है। पैसिफिक मॉल, इसके अंदर बुक भी है, बुक मिली है बताओ इसके अंदर। गीतांजलि सैलून का वाउचर मिल गया, और हनी एंड डो का भी है। 500 गच्चक थोड़ी है, चुप कर। चॉकलेट वाली गच्चक
कॉफी भी मिली मुझे। मम्मा क्या बीच में आ जा रहे हो वीडियो के यार, कहाँ पे जा रहे हो? मैंने नहीं देखा खोल के भाई, सही से मैंने नहीं देखा था। मैं बोल तो रही हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि अंदर इसके बुक हो क्या। ये वहाँ पे चॉकलेट और कॉफी फेस्टिवल चल रहा था, यूनाइटेड कॉफी वन। अरे पैसिफिक मॉल में नहीं, एयरिस्ट का नहीं है ये, पैसिफिक मॉल में इवेंट चल रहा था एक कॉफी और चॉकलेट कार्निवल। तो जितने भी कॉफी और चॉकलेट के ब्रांड है पैसिफिक मॉल में, वो सारे वहाँ पे थे। तो ये कॉफी, ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं। मुझे वहाँ पे उन्होंने पेस्ट्री भी खिलाई थी यार, मैं स्टारबक्स पे बोल सकती थी। उन्होंने कहा एक किसी भी स्टॉल पे जाके ले लो, सामने वही था वो बंदा, मुझे वहीं ले गया, पेस्ट्री खिला दी, स्टारबक्स की कॉफी पी रही थी, इससे बढ़िया मैं। गाइस ये लोग मुझे अंधा कह रहे हैं, ये चश्मा लगा के बैठा, क्या मैं अंधी लग रही हूँ? गाइस थिंक आई लुक अंधी लग रही है? ऐसा लग रहा है आजकल मैं जो बोल रही हूँ ना वो सब कुछ सच हो रहा है। मेरे को जाना था खुबानी और मुझे खुबानी की कोलैब आ चुकी है, मुझे जाना था की पोल्स और कल मैं की पोल्स जा रही हूँ, मुझे वहाँ की कोलैब आ चुकी है। मुझे एक पीआर एजेंसी के अंदर जाना था और मुझे लिटरली वहाँ से भी कोलैब आ चुकी है। और मैं आजकल जो सब सोच रही हूँ ना, मुझे वो सारी कोलैब्स आ रही हैं। मैं डंकी चीज़ें नहीं सोचती थी, डंकी चीज़ भी सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ और मैं, मुझे मैं आजकल लग रही हूँ सारा मन का पतली पतली होने का, तो पता आता है कि सोचा अच्छा पतली होने का हमेशा सोचती हूँ, हो ही जाऊँगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मैं चाहती हूँ मुझे एक गाड़ी मिल जाए। गाड़ी मैनिफेस्ट कार, गाड़ी मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए। मेरी मैनिफेस्टेशन पावर्स काफी स्ट्रांग है। ये उन्हीं स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन वाले बच्चों में से जिन्होंने पूरे स्कूल लाइफ सोचा था कि हमारे पेपर ऑलिटरली देखो हमारी 12th क्लास नहीं हुई। मैं वो बच्ची हूँ उस बैच वाली जिसकी 12th क्लास नहीं हुई, वो कोविड बैच वाली। और तो और आज सुबह योगा का भी, हाँ आज मैंने सोचा था कि आज योगा क्लास ना हो, सर का कॉल आ जाए, पर सर का कॉल आया, पर सर ने बोला आपको आना ही होगा, नहीं आना मत। बट मैं स्टिल गई। ये देखो चोको पाई खा रही हैं, इसी इवेंट में गई थी। हाँ मैं इसी इवेंट में गई थी, ये चॉकलेट खाने में 23 और 25 जून को। ये हमें कॉफ़ी मिली है और ये मुझे ये मिल गया, इस डब्बे के अंदर प्रोडक्ट्स रख के फोटो खींचा करूँगी नाइस ना। और ये डायरी भी मिली है हमको, मुझे मतलब रिया को दे देंगे, पढ़ाई लिखाई वो करती है, मेरे को तो पता नहीं। और ये क्या अब खुद लग रहे हैं अंग्रेज। ये भी मिली है चॉकलेट गच्चक, 100 रुपये की है, 100 रुपये में खरीद लिया मेरे को इन्होंने। अब हम लोग जा रहे हैं रिलायंस फ्रेश, घर आता है इसको रिलायंस फ्रेश जाना है। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने क्योंकि रिलायंस फ्रेश पे एक पैक फ्री मिलती है। सबको बता दे मिडिल क्लास, मिडिल आके सबको स्किन में बता दे, तुम भी आके उस पर लेके आया करो, एक पैक फ्री मिलती है रिलायंस फ्रेश पे। और जो आइसक्रीम 400-450 की मिलती है वो हमको 300 की मिल जाती है, दैट्स व्हाई हम रिलायंस फ्रेश जाते हैं। आज मैंने इसको ज़्यादा शॉपिंग नहीं करने दी वरना ये मेरा सारा पेटीएम खाली करा देती है। ये बदतमीज लड़की राइट है, फ्रेश हल्ली भी मिलती है बताओ यहाँ पे, ये भी मिलते हैं नारियल पानी, एक उठा लूँ। और फूड से अपडेट्स काउंटर पर साथ।